बिहार के न्यायालय में आनंद सिंह के दाहिना हाथ कहे जाने वाले फरार रहे लल्लू मुखिया ने बड़े ही नाटकीय तरीका से आकर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। पुलिस देखती रह गई और लल्लू मुखिया ने आत्मसमर्पण कर पुलिस को एक तरह का चैलेंज किया। दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर ही खबर, मोटिवेशनल चैनल बाय PNY, मैं विवेकानंद यादव। आज का दिन बड़ा अहम है कि आज बाढ़ व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ लल्लू मुखिया पंडारक के रहने वाले कहे जाते हैं कि आनंद सिंह के वो दाहिने हाथ हैं और आज उन्होंने आत्मसमर्पण कोर्ट के समक्ष किया। इसके पूर्व लल्लू मुखिया के घर की कुर्की जब्ती पुलिस ने बड़े ही बुरी तरीके से करी थी और लल्लू मुखिया के भाई रणवीर यादव कुर्की जब्ती रुकवाने के लिए आत्मसमर्पण किया था। अब इस वाकिया को समझना जरूरी है कि आखिर लल्लू मुखिया अभियुक्त बने क्यों। लल्लू मुखिया और उसके भाई अभियुक्त बने, तीन पकड़े गए अभियुक्त जिसके पास पिस्टल बरामद हुआ, उन तीनों की पिटाई के बाद तीनों ने कहा कि मुझे दो व्यक्ति की हत्या करने की सुपारी दी गई थी जिसमें भोला सिंह और एक अन्य व्यक्ति थे और मुझे सुपारी दी गई लल्लू मुखिया और उनके भाई के द्वारा, और लल्लू मुखिया और इनके भाई के द्वारा उसी लपेटे में आए थे अनंत सिंह, जिनके आवाज टेस्टिंग के लिए बुलाया भी गया था, टेस्टिंग किया भी गया था। सूत्र के हवाले से खबर मिलती है कि भोला सिंह आनंद सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे और NTPC के सारे काम को देखते थे। अब NTPC सहित अन्य कार्यों को लल्लू मुखिया देखा करते हैं और लल्लू मुखिया ने तीन अपराधी को व्यवस्था किया था भोला सिंह को मरवाने के लिए, जो तीनों अपराधी पकड़ाए और उसने पुलिस के सामने कहा कि लल्लू मुखिया और रणवीर यादव ने मुझे सुपारी दी थी भोला सिंह और एक अन्य व्यक्ति को मारने का, और इस मामले में और इस लपेटे में आनंद सिंह भी आ गए। उनकी वीडियो वायरल हुई, वॉइस टेस्टिंग हुआ और उसमें जैसा कहा जाता है कि आनंद सिंह ही लपेटे में आ गए, चूंकि लल्लू मुखिया आनंद सिंह के दाहिने हाथ है। लल्लू मुखिया फरार थे तो लल्लू मुखिया के घरों को पुलिस ने बड़े ही बेदर्दी के साथ हामर से तोड़कर, गैता से कोड़कर और खंती से उखाड़कर खिड़की दरवाजा और ग्रिल को नोच लेने का काम पुलिस ने किया। बड़े ही बेदर्दी के साथ घर की कुर्की जब्ती करी गई। आज लल्लू मुखिया ने आत्मसमर्पण किया और उनके अधिवक्ता ने कहा कि मुझे बाढ़ जेल में जान का खतरा है, इसलिए मुझे बेउर जेल भेज दी जाए, इसलिए पुलिस को बेउर जेल ले जाने का आदेश भी दे दी गई। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।